भारत के पारंपरिक ज्ञान में दुनिया देख रही है सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते, लेकिन हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। कर्नाटक के एक दंपति का प्रयास इस दिशा में सराहनीय और प्रेरक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस दंपति के प्रयासों की कहानी शेयर की है। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। क्या आपके पास भी हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी से जुड़ी कोई प्रेरक कहानी है? आपकी कहानी बन सकती है प्रधानमंत्री की जुबानी। जुड़िए मन की बात से और साझा कीजिए अपनी कहानी। डायल करें 1800-1178-00 या अधिक जानकारी के लिए विजिट करें mygov.in।